लोकसभा चुनाव के चार चरणों का रण खत्म हो चुका है बाकी बचे तीन चरणों की तैयारियां जोरों पर है इसी क्रम में हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता से भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने खास बातचीत की है इस बातचीत में राहुल गांधी के राय बरेली से चुनाव लड़ने पर माधवी लता ने तंज किया तो वहीं मालेवाल केस पर आम आदमी पार्टी पर भी प्रहार किया मुंबई में बीस मई को चुनाव होना है उसके लिए आज आखिरी दिन है प्रचार का जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है मुंबई और आस में Uh, माधवी लता को यहाँ पर उतारा है हैदराबाद से जो एम आई एम के खिलाफ कैंडिडेट हैं और आज वो प्रचार कर रही हैं पिछले दो तीन दिनों से हम उनसे सीधे बात करते हैं मुंबई में क्या लग रहा है यहाँ पर मुसलमान सब उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि बीजेपी को तो उद्धव ठाकरे हरा पाएंगे इसलिए उनका सपोर्ट उद्धव ठाकरे को मैं उन सारे मुसलमान भाइयों से एक ही दरख्वास्त करती हूँ कि भैया आप उन पार्टियों को मदद मत करिए जो अपने पैर एक नाव से दूसरे नाव पर छलांग मारते हैं जिनके पास एक स्टैंडर्ड उसूल नहीं है जो आज कांग्रेस से है कल किसी और से है परसों किसी और से है तरसों किसी और से है वो आपको क्या न्याय दिला पाएंगे वो कोई किसी को न्याय दिला नहीं सकेंगे वो सिर्फ अपने जेब भर पाएंगे बस अब जो जितना भी यहाँ पर मुंबई में और सारा महाराष्ट्र में जो तरक्की हुआ वो पिछले सिर्फ दो सालों से ही तो हुआ महायुति और बीजेपी के गठबंधन में तो हुआ है ये सिर्फ मजहब का ही प्रशा पॉलिटिक्स चलाएंगे राजनीति चलाएंगे इससे फायदा नहीं रहेगी जो नन्हे मुन्ने बच्चे महाराष्ट्र के आगे बढ़ना है तो उनको भाजपा को और महायुति के गठबंधन को ही वोट डालना चाहिए क्या बी, क्या बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है बिल्कुल नहीं है अगर मुसलमान तो यही कह रही है इम्मा का क्या क्या है 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 तो गुंडे भी भी बिजाती रिगिंग करती मैं हिंदुओं से भी काम करती हूँ मैं मुसलमानों से भी काम करती हूँ सालों से मैंने दोनों से काम किया हुआ है मैं दलितों से भी काम किया है मैंने अगर भाजपा मुझे चुन सकती है मैं हजरत अली जी के जुलूस में भी गई थी मैं अगर भाजपा मुझे चुन सकती है तो ऐसे से क्या तय नहीं है कि भाजपा हिंदू मुसलमान के एकता के बारे में सोच रही है लेकिन लगातार संविधान बदलने की बात हो रही है मुसलमानों के जो आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से पीएम का बयान आया राहुल गांधी का बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बात कर रही है भैया पहली बात राज्यंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं बदल सकता इसको बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उसूलों पे चलने वाले ही मोदी बाय हैं घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे भारत एक्सप्रेस मुंबई